अनुवर्त विद्यालय के कक्षा 9 के ऑनलाइन सत्र में विज्ञान का प्रथम अध्याय। हमारे आसपास के पदार्थ, कक्षा 9 का प्रथम अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, आसपास को हम पर्यावरण शब्द से संबोधित करते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण क्या है? परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। हमारे चारों तरफ का वातावरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब ये किससे बना है? तो एक शब्द आया है पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। अब प्रकृति में हम जो भी चीज देखते हैं वो पदार्थ है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया गया, लेकिन पदार्थ क्या है? प्रकृति में वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ है। लेकिन क्या ये इसकी परिभाषा उचित है? तो फिर वैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया और इसकी दो आवश्यकताएं बताई कि पदार्थ क्या है। वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, यह पहली प्राथमिकता है पदार्थ की कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है। दूसरा, जिनका कुछ द्रव्यमान हो, और ये दोनों क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या परिभाषा दी कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिनका कुछ द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अब बात करते हैं प्राचीन समय में क्या परिभाषाएं दी थी। तो प्राचीन काल में जो प्राचीन वैज्ञानिक थे या प्राचीन दार्शनिक थे, उनमें प्रथम था अरस्तु। वैज्ञानिक दार्शनिक था, इसने बताया कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वे पांच पदार्थों से बनी है, पांच पदार्थों। उन्होंने पूरी सृष्टि को ही पांच पदार्थों से माना था और उन्होंने इसे पंचभूत, पंच महाभूतों की संज्ञा दी थी। और आपने सुना भी होगा पंच महाभूत कौन कौन से हैं, कि हमारा शरीर इन पंच महाभूतों से मिलकर बना है। उनमें सबसे पहला हमारा ग्रह है पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा जल, चौथा वायु और पांचवा तत्व तो है आकाश। इन पंच महाभूतों से मिलकर हमारा सृष्टि का निर्माण हुआ है प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार। आधुनिक जो वैज्ञानिक हुए हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन पदार्थों को मैटर नाम दिया और उनकी दो प्रॉपर्टीज बनाई, दो तरीके बनाए इनके आधार पर। एक है भौतिक गुण धर्मों के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर। पदार्थों को दो भागों में बांटा कि जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति में उन्हें भौतिक गुण और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर विभाजित किया। अब हम अगले पृष्ठ पर इसको चर्चा करते हैं कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, पदार्थ किस प्रकार काम करते हैं और पदार्थ किस प्रकार बने हुए हैं। तो अगले पृष्ठ पर आप देख रहे हैं पदार्थों का भौतिक स्वरूप। देखिए, मैंने वैज्ञानिकों की आधुनिक अवधारणा बता रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि पदार्थों को दो रूपों में उन्होंने विभाजित किया है, पहला भौतिक स्वरूप और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक स्वरूप में पदार्थ कणों से मिलकर बना है। वैज्ञानिकों ने आधुनिक अवधारणा क्या है कि पदार्थ कणों से। अब ये कण क्या है? हमारे देश में एक बहुत बड़े महान दार्शनिक हुए थे, ऋषि हुए थे, जिनका नाम था कणाद। कणाद जिन्होंने बताया था कि प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है और वह कण अविभाज्य है और उसे परमाणु नाम दिया गया।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी उसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए उसको डिस्क्राइब किया, उसको वर्णित किया, उसकी विस्तृत व्याख्या की। तो सबसे पहला पदार्थों का भौतिक स्वरूप समझाने के लिए यह बताया गया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसमें जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत कंबाइंड होते हैं, बहुत सघन होते हैं इस प्रकार। तो पहली विचारधारा क्या थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। लकड़ी की सतह का मतलब तो ये भी हो सकता है कि ये मान लीजिए लकड़ी की सतह, तो उसमें लेयर्स भी हो सकती हैं, ठीक है, इसमें कण नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी विचारधारा क्या थी कि इसमें कण इस रूप में रेत के कणों की तरह भी हो सकते हैं। तो ये पदार्थ कणों की तरह है या इस लकड़ी के टुकड़े की तरह है, ये वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय था। तो उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रयोग किए और विभिन्न प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं, मान लीजिए चीनी है, उसको हमने जल में मिलाया। अब चीनी क्रिस्टल है, अपने आप में वो एक कण है, लेकिन जो चीज वो पानी में मिलाएंगे वो उसके साथ घुल जाएगी, अर्थात उनमें क्या है, मिश्रण का गुण पाया जा रहा है, वो मिल रहे हैं एक दूसरे में, अर्थात क्या है, पदार्थ कण है जो एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं। इस प्रकार पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। इसकी अगली प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। पदार्थ का, जैसे मैंने अभी चीनी का उदाहरण लिया था, उस उदाहरण पे बात करते हैं। जल में नमक मिलाएं, जल में नमक मिलाकर हिलाएं, हम देख रहे हैं जल में नमक के क्रिस्टल थे वो मिल गए। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिश्तानों में समावेशित हो जाते हैं। यहां पर इस स्लाइड में हमें क्या दिखाया गया है, जल और नमक का मिश्रण। मैंने चीनी का बताया, दोनों ही सेम पोजीशन है। आप जल को नमक को जल में मिलाएंगे तो उसमें समावेशित हो जाएगा, इसी प्रकार चीनी को जल में मिलाएंगे तो उसमें समावेशित हो जाएगी। अर्थात पदार्थ किस से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, और उनके रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इसे हमने इस प्रयोग के द्वारा जाना। अब अगले में देखिए, पदार्थ के कण छोटे होते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ कणों से मिलकर बना है, लेकिन अब ये कण हमें दिखाई देते हैं। जैसे हमने चीनी के कण या नमक के कण देख लिए, लेकिन वो जब पानी में घुलेंगे तो वो और छोटे कणों में विभक्त हो जाएंगे और वो जाकर जल के कणों के साथ मिल जाएंगे। तो लेकिन अब दूसरा बात उठती है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए एक प्रयोग किया गया, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दिया गया। पोटेशियम परमैंगनेट को हिंदी में हम लाल दवा बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कुओं में पानी को साफ करने के लिए इसको डाला जाता है, और इसका सूत्र होता है KMnO4, ब्लीचिंग पाउडर KMnO4। इस घोल में से 10 ml घोल निकालकर इसे 90 ml जल में मिला दीजिए। वही बात आप गौर कीजिएगा, ये तो बात कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट की। मान लीजिए आपने 100 ml में 2-3 चम्मच चीनी डाल ली, मीठा हो गया, उसमें से थोड़ा सा पानी निकालकर और 1 गिलास पानी में और डाल दीजिए। अब उस पानी में भी कुछ ना कुछ मिठास आपको जरूर देगा। पोटेशियम परमैंगनेट लाल रंग का होता है, तो पानी में मिलाया 100 ml में, लाल रंग हो गया, उसमें से 10 ml निकाला और 90 ml के जल में और मिला दिया, फिर उस घोल में से वापस 10 ml और निकाला और 90 ml में और मिला दिया। ये क्रिया अगर हमने 5-8 बार की तो हम क्या देखते हैं, वो रंग दिखाई देगा, लगातार दिखाई, चाहे हल्का हो सकता है लेकिन हमें दिखाई देगा। इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और जो लगातार क्या लिख रहा है ना, जल अब भी रंगीन है, ये देखिए जल लगातार रंगीन होता जा रहा है। तो पदार्थ लगातार विभाजित होता रहता है, उसके अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब यह प्रयोग क्या दर्शाता है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी बहुत अधिक मात्रा में रंगीन हो जाता है। इसके साथ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण होंगे और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अर्थात मैंने आपको
पहले ही बता दिया कि पदार्थ बहुत अति सूक्ष्म कणों से निर्मित होता है और वह धीरे 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 विभाजित होता रहता है। मैंने कणाद का उदाहरण बताया था ना, उन्होंने बताया कि परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। इसी प्रकार ये कण विभक्त होते रहते हैं। हमने पदार्थों की दो बातें सीखी, पदार्थ के भौतिक गुण, भौतिक गुणों में पहला था पदार्थ कणों से मिलकर बना है, और दूसरी बात पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। दो बातें हमने सीखी। अब अगला है पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थों के गुण क्या है। हमने अभी तक उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसके गुण क्या है, तो गुण पे बात करते हैं। पहले पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हमने एक उदाहरण पढ़ा था, शुरुआत में बात की थी कि चीनी को या नमक को पानी में घोलेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे वो कण गायब है, क्योंकि वो उस पानी में मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है। देखिए, इसने एक उदाहरण दिया, नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। आप देखिए, आप नहाने के पानी में एक ढक्कन डेटोल डालिए, पूरा जो पानी है वो खुशबूदार हो जाएगा और वो डेटोल पता ही नहीं चलेगी कहाँ गई, उसमें मिल गई। इसी प्रकार हम घर में शिकंजी बनाते हैं, आपने देखा उसमें चीनी भी डालते हैं, उसमें नमक भी डालते हैं, मिलाते हैं, क्या हमें दिखाई देता है चीनी कहाँ गई? केवल स्वाद का अनुभव होता है कि नमकीन भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, सारी चीजों का स्वाद दे रहा है वो, चीनी का भी दे रहा है, नींबू का भी दे रहा है, नमक का भी दे रहा है, लेकिन दिखता क्या है? केवल पानी। इसी प्रकार है पोटेशियम परमैंगनेट का, हमने उदाहरण अभी पढ़ा कि उसको डालते पानी का रंग गुलाबी हो जाएगा। अर्थात पदार्थ के कण एक से दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इससे क्या दृष्टिगोचर होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है।